श्री आदिनाथाय नमः, श्री राजेंद्र जयंत सेन गुरुभ्यो नमः। विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय जैन संगीतकार, संगीत सम्राट श्री अशोक जी केमावत के उत्कृष्ट जीवन और शासन प्रभावना के उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रदत्त लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोई यदि किताब लिखना चाहे तो एक प्रेरणादायक कथा सार तैयार हो सकता है। यदि कोई फिल्म बनाना चाहे तो श्रद्धा, समर्पण, धर्म, कर्म, अध्यात्म और संघर्ष की गौरव गाथा गाने वाली एक आधुनिक फिल्म बन सकती है। ऐसी जीवनी या ऐसी कहानी है अशोक भाई केमावत की। 10 वर्ष की उम्र में ही अशोक जी अपने पिता श्री आनंद राज जी के साथ भक्ति संगीत से जुड़ गए और मंचों पर भाववर्धक प्रस्तुतियां देनी शुरू की। धर्म की ज्ञानवर्धक मधुर बातें और सुरीली आवाज में स्तवन आदि सुनकर लोग क्या साधु संत भी भाव विभोर हो जाते हैं। अशोक भाई केमावत मात्र 15 वर्ष की उम्र से ही सुर्खियों में छाने लग गए और धीरे धीरे सारे भारत में छा गए। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो 500 से अधिक अंजनशाला का और प्रतिष्ठा करवाने वाला यदि कोई गायक या कलाकार भारत में है तो वह एकमात्र अशोक भाई केमावत है। इतना ही नहीं, आपने कई जैन आचार्यों, गणिवर्यों, मुनि भगवंतों आदि की पावन निष्ठा में पूजा पूजन, कई उपधान, उजमना, दीक्षाएं, संघ, आचार्य पदविया करवाई। आपने इंग्लैंड, बेल्जियम, थाईलैंड, हांगकांग, यूएई इत्यादि कई देशों में जिन शासन की प्रभावना की। संगीत सम्राट, प्रतिष्ठा सम्राट, भक्ति सम्राट, बाली रत्न, संगीत रत्न, गोड़वाड़ के गौरव, राजस्थान दीपक, संगीत शिरोमणि इत्यादि कई पदवियों से आप सम्मानित हो चुके हैं। कच्छ से कलकत्ता तथा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह आपने कार्यक्रमों द्वारा जन मन को भक्ति मार्ग से जोड़ा। अशोक जी केमावत ने अपने ज्ञान और अनुभव से खुद अपना निर्माण करके सबसे हटकर भक्ति का आगाज किया, जिसका आज हम भव्य रूप देख रहे हैं। जैन धर्म के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं करना, ऐसी सौगंध लेकर कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, मगर अपनी सौगंध पर अड़ीग रहे। जीवन में शोक आया हो या शारीरिक अस्वस्थता आई हो, अशोक जी ने अपनी प्रतिबद्धताएं नहीं तोड़ी। किसी संघ का कार्यक्रम ना बिगड़े ऐसे भाव रखकर सदैव भक्ति और प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकताएं दी। आज मंचों पर जब हम अंजन शलाकाओं का भव्य रूप से शास्त्रोक्त मंचन देखते हैं, उसका भी अधिकांश श्रेय अशोक जी केमावत को जाता है। धर्म के क्षेत्र में मर्यादाओं को न तोड़ते हुए, परंपराओं को जीवित रखते हुए अशोक जी ने मंचों से कई सफल प्रयोग किए, जिसका आज भी अनुसरण हो रहा है। आज भी 65 वर्ष की उम्र के इस पड़ाव पर आपका धर्म के प्रति समर्पण और संगीत के प्रति जज्बा तारीफ काबिल है। जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है। मोहन खेड़ा की पावन धरा पर अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद शाखा मुंबई के संयोजन में लाभार्थी परिवार श्रीमती कुसुमबेन ललित जी परमार परिवार द्वारा आयोजित संगोत्सव में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करते हुए हम भाव विभोर हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। परमात्मा आपको संबल दे, स्वस्थ रखे और शासन सेवा हेतु इसी तरह आशीर्वाद बरसाते रहे।